हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन. स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे. सो दिस वीडियो इज़ फॉर 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. तो 7th क्लास के बच्चों, आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे. तो आप लोग फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए. एक्सरसाइज सॉल्यूशन इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे. इसके बाद आपकी कॉपी चेक होगी इन द नेक्स्ट क्लास. क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, मैम ने आपके साइंस चैनल में अपलोड कर लिया है. तो जितने भी नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपने साइंस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है. और कमेंट बॉक्स में डन का कमेंट कर देंगे एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करने के बाद, जिससे मुझे पता चलता रहे कि सारे बच्चों ने वर्क कंप्लीट कर लिया है. ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम अगेन. आज हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं आज, तो आज हम लाइव क्लासेस में और यूट्यूब की हेल्प से पूरा वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे. नाउ हम आ जाते हैं पेज नंबर ओपन, पेज नंबर 76, क्लास 7th, ओपन पेज नंबर 76. टिक द करेक्ट ऑप्शन. पेंसिल निकाल लीजिए और मैम एक एक करके करेक्ट आंसर आपको बताती जा रही है और आप लोग उसको टिक करते जाइए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज. तो सबको पता है क्योंकि मैम ने आपको क्लास में ऐसे पढ़ा रखा है, बहुत ईजी है, हाइग्रोमीटर. द करेक्ट आंसर इज हाइग्रोमीटर. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय. रेनफॉल किससे मेजर होता है? रेन गज. द करेक्ट आंसर इज बी, रेन गज. तो सब लोग इसको टिक कर लेंगे राइट आंसर. जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो भी, जो नहीं आ रहे वो भी, अपना वर्क आप लोग कंप्लीट रखेंगे, भले ही आप लोग घर पे रहे या स्कूल में आए. जिनकी तबीयत नहीं सही है वो भी, ठीक है, अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए. इसलिए मैम रिटर्न वाला जितना भी वर्क एक्सरसाइज सॉल्यूशन यूट्यूब में इसलिए डाल रही है, मेहनत करके दो दो बार पढ़ा करके, जिससे जो बच्चे नहीं आ पा रहे, जिनकी तबीयत ख़राब है, उनका वर्क भी टाइम से कंप्लीट होता रहे और कोई भी एक दूसरे से कॉपी ना लेगा ना देगा, ठीक है. नौ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd क्या हमारा, पहले पेन से लिख कर लेते हैं. सेलेक्ट द अडाप्टेशन दैट कीप द पोलर बियर कम्फर्टेबल. ठीक है, पोलर बियर को कम्फर्टेबल कौन बनाता है? थिक फर. ठीक है, उसका थिक फर होता है जिससे उसे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी क्या होता है, वो कंफर्टेबल रहता है ना. अंडरलाइन टिक कर लीजिए थिक फर के आगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. जिन भी बच्चों ने अभी तक अपना साइंस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, साइंस का चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कंप्लीट का या डन का, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज. कैसा क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट होता है हॉट एंड ह्यूमिड. सी में आप टिक कर लीजिए हॉट एंड ह्यूमिड. द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, सहारा डेजर्ट. सबको इंपॉर्टेंट पॉइंट में अंडरलाइन कराया था पूरे बच्चों को. द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट. टिक कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ईट फ्रूट फ्रॉम वेरी स्मॉल एंड डेलिकेट ब्रांचेस. कौन खाता है ऐसे? कल हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे सेक्शन ए में. सो 6th वाला जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, वो आप लोग होमवर्क करेंगे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिनको आंसर पता है, बहुत इजी है, जिनको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है. इसमें से कौन है, रेड आई ट्री फ्रॉग है या लायन टेल मस्क्यो है, साइबेरियन क्रेन है या टोकन है, जो कि क्या करता है, ईट फ्रूट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल एंड डेलिकेट ब्रांचेस. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम. पेंसिल निकाल लीजिए और आप लोग, और आप लोग करेक्ट स्पेलिंग से अपना फिलअप पूरा फिल करेंगे. पहला है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1st. डैश जोन इज लोकेटेड बिटवीन इक्वेटर एंड पोल. इक्वेटर और पोल के बीच में कौन सा जोन होता है? टेम्परेट जोन. पहले का आंसर क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए. टेम्परेट जोन इज लोकेटेड बिटवीन इक्वेटर एंड पोल. स्पेलिंग सही लिखिएगा, आपके स्क्रीन पे लिख दिया है मैम ने. टेम्परेट जोन इज लोकेटेड बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल.
नौ सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, हो गया सबका? नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स, डैश हैव फैट डिपॉजिट कॉल्ड ब्लबर अंडर देयर स्किन. कौन कौन होता है फैट डिपॉजिट में? इसमें हमने क्लास में डिस्कस किया था, ब्लबर, पेंगुइन्स एंड पोलर बियर. तो यहाँ पे लिख दिया पेंगुइन एंड पोलर बियर. पेंगुइन एंड पोलर बियर. पेंगुइन एंड पोलर बियर हैव फैट डिपॉजिट कॉल्ड ब्लबर अंडर देयर स्किन. कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग. लिख लीजिए, फिर हम फिलअप नंबर थर्ड पे आते हैं. नाउ फिलअप नंबर थर्ड क्या है? फोर लिम्स ऑफ पेंगुइन आर मॉडिफाइड इनटू, क्या होते हैं मॉडिफाइड उसमें? पेडल्स में होते हैं. फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड होते हैं? पेडल्स. तो आंसर होगा पेडल्स. पेडल्स लिख लीजिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे मैम लिख दे रही हैं. पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. पेडल्स, PADLES. फोर लिम्स ऑफ पेंगुइन आर मॉडिफाइड इनटू पेडल्स. नाउ नेक्स्ट, टक्स ऑफ एलिफेंट आर एक्चुअली मॉडिफाइड इंसीजर टीथ, है ना? लिख लीजिए आंसर होगा इंसीजर टीथ. इंसीजर टीथ, टक्स ऑफ एलिफेंट आर एक्चुअली मॉडिफाइड इंसीजर टीथ. स्पेलिंग सही लिखिएगा सभी लोग. जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे आई हैव डन विद योर नेम एंड सेक्शन. इसके आगे का क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट भी मैम ने यूट्यूब में डाल दिया है, आप लोग संडे को अपनी पूरी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे. क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज बुक में रहेगी, कॉपी में शॉर्ट क्वेश्चन से पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5. डैश हैज अ स्ट्रॉन्ग बीक टू क्रैक नट. कौन है ये? ट्राउकन. द करेक्ट आंसर इज, आपके स्क्रीन में हम लिख रही हैं, लिख लीजिए. इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स नंबर फर्स्ट, लेटिट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल. तो आंसर क्या है? फॉल्स. पहले का है फॉल्स, फॉल्स कर लीजिए. वो एल्टीट्यूड होता है, लेटिट्यूड नहीं होता है, ठीक है. नाउ ट्रू एंड फॉल्स नंबर टू, सेकेंड, द क्लाइमेट ऑफ अ पोलर रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड. सेकेंड का ट्रू होगा, ट्रू कर लीजिए. यस, द क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड. नाउ नेक्स्ट, अ कैमल हैज अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. फॉल्स.
फर्स्ट का फॉल्स, सेकेंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स। मैंने एक एक वर्ड लिखा है, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स नंबर फोर। फिनॉक्स इज अ पोलर एनिमल, फॉल्स। फॉल्स कर लीजिए, फिनॉक्स पोलर एनिमल नहीं होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइबेरियन क्रेन इज अ माइग्रेटिंग बर्ड। आंसर है ट्रू, यस, साइबेरियन क्रेन इज अ माइग्रेटिंग बर्ड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का पार्ट आप अपनी बुक में करेंगे, इसके बाद का जितना भी क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है वो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट के लिए मैम ने दूसरी वीडियो अपलोड कर दी है, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, थैंक यू।